नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस प्रकार की ये डिज़ाइन की। तो आप देखिए ये जो डिज़ाइन है ये किस प्रकार से बनाई है। तो आप देखिए इसमें हमने शुरू से यहाँ से जो ये लहर है इस प्रकार से स्टार्ट की है, तो इस लहर को हमने यहाँ तक लाया है और वापस इस साइड से जो लहर स्टार्ट की है उसको यहाँ तक लाया है और बीच में आप देखिए इस प्रकार से ये लहर बनाई है। तो ये किस प्रकार से बनाई आप देखिए, इसमें हमने सर्वप्रथम में देखो यहाँ पे 5 रस्सी उठाई है, फिर यहाँ 2 रस्सी दबाकर इस प्रकार से ये लहर चलाई है यहाँ तक। तो आप देख लीजिए ये जो डिजाइन है इसमें ये लहर इस प्रकार से शुरू से लेकर लास्ट तक लाए हैं और इस लहर को देखिए हमने यहाँ तक ला के यहाँ पर रोक दिए और ये जो लहर है यहाँ से घुमा के हमने इस साइड में घुमाई है और ये इस प्रकार से ये डिजाइन तैयार की है। और इस साइड की ये जो डिजाइन है वो इस प्रकार से तैयार की है। तो आप देख लीजिए ये जो लहर है इस प्रकार से चलाइए। तो ये हमारी जो चारपाई की डिजाइन है हमने यहाँ पे इस तरह के तरह से बनाई है। और आगे आप देखिए इसको किस प्रकार से बनाया है, ये जो फूल है इस साइड से लिया है और यहाँ पे देखिए इस साइड से लिया है और ये बीच में देखिए ये छोटा फूल बना के इस तरह इस डिजाइन को घुमाया है। तो ये घुमाने के बाद में इस प्रकार से हमारी इस तरफ से ये जो डिजाइन इस तरह बन गई है और आप इसी प्रकार से हमने दूसरी तरफ भी डिजाइन बनाई है। तो यहाँ पे भी ये एक छोटा फूल है और यहाँ पे ये देखिए इस साइड में इस प्रकार से घुमाया है। तो ये सेम डिजाइन हमने दोनों तरफ से बनाई है और इसको नीचे इस प्रकार से बनाया है। तो आप देख लीजिए ये जो नीचे की जो डिजाइन है इसको आप देख लीजिए, ये 5-5 रस्सी को उठाकर बनाया है। तो ये टोटल इस प्रकार से बना दी है, ये देख लीजिए। ये बनाने के बाद में हमने यहाँ पे ये जो बीच में पूरा का पूरा सेंटर इस प्रकार से बना लिया है। तो आप देख लीजिए ये जो डिजाइन किस प्रकार से बनी है यहाँ पे, ये देखिए। और ये बीच में जो ये दिखने में भी बहुत अच्छा दिखाई देता है और ये इस प्रकार से बनाया है। इसके नीचे जो ये लेयर है हमने यहाँ पे लाई थी, इसको वापस दोनों तरफ से स्टार्ट किया है। तो इस साइड से लाकर हमने यहाँ तक ले जाई है और इसको दोबारा यहाँ पे इस साइड में लाई है। तो आप देख लीजिए ये दोनों तरफ इस प्रकार से घुमाई है और लास्ट में आप देख लीजिए इस प्रकार से ये डिजाइन पूरी कर दी है। तो देखिए जो हमारी चारपाई है ये पूरी हो चुकी है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये डिजाइन बनाकर बताइए आप लोगों को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये चारपाई पूरी बनने के बाद में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, आप देख लीजिए ये चारपाई है, ये हमने पूरी बनाने के बाद में देखी इस प्रकार से दिखाई देती है। तो ये देख लीजिए, तो ये इस प्रकार से आप भी अपने चारपाई के अंदर इस प्रकार का फूल और डिजाइन बना सकते हो जो बनाने के बाद में आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये जो सेम डिजाइन है ये ऊपर से देखिए इस प्रकार से है और नीचे से देखिए इस प्रकार से और इस साइड में देखिए इस प्रकार से है और इस साइड में इस प्रकार से। तो ये देखिए सेम डिजाइन दोनों तरफ से चलाइए और इसको सेंटर से स्टार्ट किया है ताकि दोनों तरफ एक जैसी डिजाइन आए। तो आप देखिए ये किस प्रकार से बनाई है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें।